खबर हल्द्वानी से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने नगर के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कार्यदा संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने टेबल टेनिस कोर्ट की जर्जर हालत को देखकर अपनी नाराजगी जताई और खेल विभाग से संबंधित अधिकारियों को सुधार करने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभाग क्रिकेट स्टेडियम में जल्द से जल्द क्रिकेट कराने के लिए गंभीर है और इसके लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर जल्द से जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से क्रिकेट को लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे, इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दामी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीज़ें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी तो स्वाभाविक रूप से फिर जो एक हमारे को काम करने का स्पोर्ट्स की इवेंट्स करने के जो हमारे ये कार्यक्रम रहेंगे वो रेगुलर होते रहेंगे।